नए साल 2025 में बनेंगे पांच महाराजियों की। तीन बड़े ग्रहों का होगा गोचर, तीन राशियों की खत्म होगी शनि की साढ़े साती। और वहीं नए साल 2024 में यह चार राशियां होगी कर्ज से मुक्त। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के साथ ही राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति का महाबदला होने वाला है, जिससे साल 2025 में पांच राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। पांच राशियां कर्ज से मुक्त होकर धनवान बनने वाली है, करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साल 2025 के संपूर्ण राशिफल के बारे में। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्धम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, साल 2024 खत्म होने में मात्र दो महीनों का समय बचा है। और दोस्तों, इसके बाद शुरुआत होगी नए साल 2025 की। नए किरण, नए उमंग, नए जोश और जुनून के साथ ही एक नया साल 2025 कई राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा। आपको बता दें कि साल 2025 में मार्च के महीने में 29 मार्च को रात को 11:01 पर भगवान शनिदेव का महापरिवर्तन होगा। शनिदेव के परिवर्तन होते ही कुछ राशियों पर शनि की जो साढ़े साती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके अलावा देव गुरु बृहस्पति भी गोचर करेंगे। राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु को पापी और मायावी ग्रह माना जाता है। जिस किसी राशि में राहु की दशा महादशा या अंतर दशा चल रही होती है, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साल 2025 की सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन लाल, मीना कुमारी, मेघराज, मोहन लाल, इस तरह से अंग्रेजी के एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025 बहुत ही अच्छा और अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। एक तो आप लोगों के जीवन में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही थी वो समाप्त होगी। उसके अलावा यह नया साल 2024 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण पैदा होगी। जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं और कठिनाइयां अब धीरे धीरे दूर होगी। न्याय के देवता भगवान शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपने काम में पहले की तुलना में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ऐसे में साल 2025 में जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं या नौकरी वगैरह करते हैं, तो आप लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसको आप बखूबी निभाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। करियर में आप लोगों के लिए एक नया मुकाम साबित होगा। साल 2025 में सिंह राशि वाले लोगों का मार्च के महीने में, चाहे आप स्टाम्प पर लिख कर ले लीजिएगा दोस्तों, कि मार्च के महीने में सिंह राशि वाले लोगों का प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी। पिछले 2.5 सालों से आप लोगों के लिए कुछ परेशानियां बनी हुई थी, आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ गया था, और दोस्तों आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन अब नया साल 2025 की शुरुआत होती ही आप लोगों की परेशानियां समाप्त होगी। लंबे समय से जो आप कर्ज के जाल में फंसे हुए थे, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो, या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, आप लोगों को नया साल 2025 सभी कर्ज से छुटकारा दिलाने वाला होगा। बेरोजगार लोग, लंबे समय से जो नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन लोगों को मन मुताबिक जगह पर नौकरी की प्राप्ति होगी। नया व्यापार या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों साल 2025 आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में आपसी संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। साल 2025 आप लोगों को हर कदम पर अपने भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा। आप लोग जो कोई भी कार्य अपने हाथ में लेंगे, उसको बखूबी पूर्ण कर पाएंगे। आपकी तरक्की प्राप्त होगी, नए नए अवसर मिलेंगे। जो भी विद्यार्थी है, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सिंह राशि वाले लड़का या लड़की अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, और आप अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो साल 2025 में आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। मन मुताबिक जगह पर आपका रिश्ता निश्चित होगा।
आप लोगों को उपाय बताया गया है कि साल 2025 में आप लोग 29 मार्च के बाद किसी भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल में लोहे की कील डालकर दीपक लगाएं और पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत 7 बार लपेट दीजिए। ऐसा करने से आप लोगों के जीवन में जो 2.5 सालों से शनि दोष चल रहा था वो दूर होगा और भगवान शनिदेव की अब आपको अति विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं नए साल 2025 की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपकी कुंडली में कोई महादशा तो नहीं चल रही है जैसे कि राहु की महादशा, मंगल की महादशा या शनि की महादशा, या दोस्तों शनिदेव की 7.5 साथी तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से लगातार आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष जैसा मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से आपके बनते बनते कार्य ही बिगड़ते जा रहे हो। यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकल चुका है, आने वाला नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार, प्रेम संबंध, इनमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, आपको कर्ज से छुटकारा कब होगा, आपका विवाह कब पूर्ण होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नए साल 2025 की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थै जय दे दो चा और ची से शुरू होता है उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों साल 2025 में मीन राशि में साक्षात न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके पहले भाव में यानी कि लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आप लोगों के लिए समृद्धि और उन्नति का प्रतिनिधित्व बनेगा। दोस्तों भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से भारी मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से यानी कि पिछले 2.5 सालों से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो अब पूर्ण होने लगेंगे। जीवन में खूब सारा भौतिक सुख मिलेगा, परिवार का पूर्ण साथ प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लंबे समय से अगर आपका कोई भी पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो भी दोस्तों अब धीरे धीरे आपको वापस से मिलने लगेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप भी अगर भगवान शनिदेव को सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर उनको आप मानते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। उसके अलावा अगर आप हमारे गुरुजी से अपनी राशि के बारे में विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा ताकि गुरुदेव जी है ना वो आपकी राशि के बारे में एक अलग ही वीडियो बनाकर आप तक लेकर आ सके। आपको बता दें जो भी मीन राशि वाले हैं उनको नए साल 2025 में खूब लाभ मिलने के आसार है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी और उसके अलावा इनकम के नए नए माध्यम नए नए सोर्सेज बनेंगी। आप लोगों पर भगवान शनिदेव की अति विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों मीन राशि वाले लोग शनिवार के दिन काले कुत्ते, काले कौवे, काली गाय या दोस्तों कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है जो अपाहिज है, विकलांग है या कोई भी रोगी है उनके साथ भोजन की व्यवस्था करें, भोजन का दान करें और उसके अलावा शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का जो एकाक्षरी मंत्र है ना ओम सन शनेश्वराय नमः है इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भगवान शनिदेव आप लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नए साल 2025 की अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी 2025 में जो राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शनिदेव जो राशि परिवर्तन करेंगे उसके अलावा मंगल देव का
का गोचर सूर्यदेव का जो बदलाव होगा वह आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो कर्क राशि वाले लोगों को लंबे समय में विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, या आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई से आप विदेश जाना चाहते हैं, तो नए साल 2025 में आप लोगों पर चंद्रमा मजबूत रहेंगे जिससे विदेश में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ प्राप्त होगा। लंबे समय से जो रुके हुए अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी धन में अच्छा लाभ मिल सकता है। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन करने से आप लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। साल 2025 में मार्च के बाद से ही आप लोग कर्ज से मुक्त होने वाले हैं। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से साल 2025 में आपको अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। उसके अलावा अलग अलग माध्यम से आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों के जीवन में काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो दोस्तों सितंबर, जुलाई और मार्च इन तीन महीनों में आप लोगों को नौकरी में तनख्वाह बढ़ सकती है। आप लोगों की जो पद और प्रतिष्ठा दोनों में ही बदलाव हो सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी नया साल 2025 जो है ना वो आप लोगों के लिए चार चांद लगाने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कर्क राशि वाले लोग शनिवार के दिन काले कपड़े, काले जूते, काली दाल का दान करें। ऐसा करने से शनिदेव अति प्रसन्न रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त रूप से सुधार आएगा। चलिए बात कर लेते हैं साल 2025 की अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करना आप लोगों को खूब अच्छा लाभ दिलाने वाला है। एक तो आपके जीवन में खुशी के नए नए पल प्राप्त होंगे, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट रहेंगे और लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अब धीरे धीरे दूर होगी। दोस्तों जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं, चाहे आपकी पुरानी पीढ़ियों का कर्ज हो, आपके पिताश्री का, आपके दादाजी का भी कर्ज हो, लेकिन नया साल 2025 आप लोगों के लिए एक नई किरण और नई उमंग लेकर आएगा। इस साल आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त होगा और भारी मात्रा में धन मिलने से आप लोगों को पुराने से पुराने कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। आपके द्वारा जो कोई भी मेहनत या संघर्ष किया जाएगा ना 2025 में उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके लंबे समय से दबी हुई इच्छाएं पूर्ण होगी। इसके साथ ही हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। बुद्धि और बोलने के कौशल में भी आप काफी ज्यादा सफल बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को शानदार रूप से लाभ मिलेगा। आपको स्वास्थ्य में भी बहुत ही अच्छा सुधार हो सकता है। और दोस्तों नया साल 2025 आप लोगों के लिए अपार खुशियां और दोस्तों आपके भाग्य को उदय करने वाला है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हर शनिवार और मंगलवार के दिन भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करें। और इसके साथ ही सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर।